लाख लोगों ने, माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मेहनत मजदूरी करने वाले किसान मजदूर भाइयों ने और इस देश में न्याय में भरोसा करने वाले तमाम लोग अपनी उम्मीदवारी भरने जा रहे हैं और आपकी उम्मीदवारी आपके आशीर्वाद से हम आने वाले 9 अप्रैल को भरने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमारी बात सुनते आए हैं। आज यह मौका है कि हम लोगों को पूरी दुनिया को बताना है कि बेगूसराय क्या सोचता है, बेगूसराय। इसीलिए हम आपको बस सूचना देने आए हैं, आपको निमंत्रण देने आए हैं कि आप 9 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, अपना पर्चा भरने के लिए बेगूसराय के कोने कोने से बेगूसराय आइए और पूरी दुनिया को बताइए कि बेगूसराय क्या सोचता है। बेगूसराय सोचता है कि हम अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग नफरत के खिलाफ मोहब्बत की पैगाम फैलाने वाले लोग हैं। हम लोग उन तमाम धनबलों और बाहुबलियों को बता देना चाहते हैं कि ये मुल्क आपके पिताजी का मुल्क नहीं है। हम सब गरीब गुरबा किसान मजदूर भाइयों का है और आपके आशीर्वाद और दुआ से हमने इस देश की सरकार को बताया है कि बेगूसराय की मिट्टी में, बेगूसराय के खून में और बेगूसराय के नमक में क्या ताकत होती है। ये मौका है कि पूरे हिंदुस्तान को बताया जाए कि बेगूसराय क्या सोचता है। और मैं आपको विनती पूर्वक एक आग्रह करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपकी तरफ पूरा का पूरा मुल्क जब देख रहा है, आपको अपना निर्णय लेकर के पूरे देश को ये संदेशा देना है कि इस देश में जमहूरियत का भविष्य क्या होने वाला है, लोकतंत्र का क्या भविष्य होने वाला है। आपको ये जवाब देना है कि हक और लूट की इस लड़ाई में, सच और झूठ की इस लड़ाई में हक और सच जीतेगा, झूठ और लूट हारेगा। संदेशा देना है कि जितनी ताकत लगानी है नोट की लगा लीजिए, ये जनता की ताकत है, ये गरीब गुरबा हिंदुस्तानियों की ताकत है और इस ताकत से लोकतंत्र जीतेगा, नोट तंत्र हारेगा। इसी पैगाम को लेकर आप आइए 9 तारीख को, और 9 तारीख को ही जब पूरे देश और दुनिया की मीडिया बेगूसराय की अपनी नजर टिकाई होगी तो बेगूसराय के लोग चुपचाप अपना एक संदेशा पूरे देश को दे देंगे कि 9 अप्रैल को यह तय हो जाएगा कि 29 अप्रैल को क्या होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का दुआ जो हमको मिला है, जो आशीर्वाद हमको मिला है, उसके लिए आपको नमन करते हुए, आपको सलाम करते हुए बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।